जहूर इलाही रोड पर चौधरी सालिक हुसैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। अभी कोई इसका खत्म फैसला नहीं हुआ जी, लेकिन जहाँ पे मैं समझता हूँ कि कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ होगी, वीकनेसेस होगी, उसको देखते हुए ज़रूर कोई ना कोई अलायंस बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ जी कि अगर तारीख दे देते दो दिन ऊपर या नीचे हो जाते तो उसके ऊपर भी फिर नई क्या असर आइयाँ शुरू हो जानी थी, तो उन्होंने मैं समझता हूँ कि अंदाजन एक वक्त बता दिया है कि फरवरी के आखिर में, जनवरी के आखिर में इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। चौधरी साहब, चौधरी शुजात साहब बुजुर्ग रहनुमा हैं, इस वक्त नवाबजादा नसरुल्ला पहले सियासत में रोल अदा करते थे, सियासतदानों को इकट्ठा करते थे जब वो अलहदा हो जाते थे तो मुल्क के मफाद में, क्या आप नहीं समझते कि अब चौधरी शुजात साहब की ये जिम्मेदारी है, वो बुजुर्ग सियासतदान है, तमाम सियासतदानों को वो इकट्ठा करें और कोई हम आहंगी पैदा करें ताकि मुल्क के बेहतरीन मफाद में कोई फैसले हों, तो क्या चौधरी शुजात ऐसा कोई लाहेमल इख्तियार कर रहे हैं? जी, उन्होंने जो आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई उसमें बिल्कुल इसी हवाले से ही बात की कि मैं चाहता हूँ कि मैं मियां नवाशी साहब से ही बात करूँ कि हम जो है वो आपस की लड़ाई की बजाय मुल्क का सोचें और मिलजुल के।